मोर कंसेप्ट के बारे में स्टडी किया था, वहाँ पे हमने बताया था कि जो मोर कंसेप्ट होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपको मोर कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया तो फिजिकल केमिस्ट्री आप इजीली कर सकते हो, उसके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो पीछे हमने मोर कंसेप्ट में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था, उनकी डेफिनेशन हमने कंप्लीटली स्टडी की थी। आज हम मोर कंसेप्ट का सेकेंड पॉइंट मीन्स एटमिक मास के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज एटमिक मास के बारे में कंप्लीटली स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो, एटमिक मास का मतलब क्या होता है? मान लो अपने पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एटम का मास यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो उस एटम के मास को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। एटमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टडी करने से पहले हम फिजिक्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स का कंसेप्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम एटमिक मास को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हम बात कर रहे हैं पुराने टाइम की, पुराने टाइम मीन्स अप्रोक्सीमेट 200 या 400 साल पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पुराने टाइम में किस टाइप से किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करते थे उस टाइम के अंदर, वो यहाँ पे हम बताएंगे। तो देखो, पुराने टाइम में अपने पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं जिससे कि आप आसानी से गिवन ऑब्जेक्ट का मास इजीली कैलकुलेट कर सको। तो अगर मान लो अपने पास मास देयर है उस सॉरी अपने पास मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट देयर है मास नहीं अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का अगर मास कैलकुलेट करना है तो उस टाइम में किस टाइप से करते थे और यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो, पुराने टाइम में जो भी ऑब्जेक्ट अपने पास है उसका मास हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकालते थे, ठीक है। वहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो लेके चलते थे वो था एक सिलेंडर, एक पर्टिकुलर सिलेंडर उन्होंने ले रखा था, वो कहीं यूएसए में रखा हुआ था, अभी रखा हुआ है। उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने गिवन ऑब्जेक्ट के मास को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने एक जुगाड़ किया, एक टेक्निक अप्लाई करी जिससे कि आप गिवन ऑब्जेक्ट का मास इजीली कैलकुलेट कर सको, ठीक है। तो देखो किस टाइप से उन्होंने ये प्रोसेस को अप्लाई किया था वो देख लेते हैं। तो मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं आपकी नहीं, मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, इस ए ऑब्जेक्ट का मास हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या बताया, अपने पास उस टाइम इंस्ट्रूमेंट था नहीं जिसे कि हम आसानी से इस ऑब्जेक्ट का मास इजीली कैलकुलेट कर सके। तो उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिया, एक सिलेंडर ले लिया, इस सिलेंडर के रेस्पेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उसका मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव मास कह सकते हैं क्योंकि गिवन ऑब्जेक्ट का मास किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में करो तो इट इज द रिलेटिव मास, ठीक है। तो ये रिलेटिव मास हम कह सकते हैं। तो देखो किस टाइप से किया, सबसे पहले तो हम बैलेंस मीटर यहाँ पे लेके चले, दिस इज बैलेंस मीटर। बैलेंस मीटर के एक आर्म पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ठीक है। बैलेंस मीटर के दूसरे आर्म पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा, पर्टिकुलर सिलेंडर यहाँ पे हमने रखे, ये पर्टिकुलर सिलेंडर और ये गिवन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमने मान लिया कि जब हम ए ऑब्जेक्ट का मास निकाल रहे हैं इस मेथड के द्वारा तो यहाँ पे हम टोटल 3 सिलेंडर यूज कर रहे हैं। हमने डिटेक्ट कर दिया कि जब हमने ए ऑब्जेक्ट का मास निकाला तो उस टाइम में हमने यहाँ पे 3 सिलेंडर यूज किए, मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास किसके इक्वल होगा, मास ऑफ 3 सिलेंडर। जो 3 सिलेंडर का मास होता है वही मास किसका होता है, गिवन ऑब्जेक्ट ए का। तो यहाँ पे हम ये करेंगे क्या, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या आ गया, मास ऑफ 3 सिलेंडर, या कहें तो दिस इज 3 सिलेंडर, सिंपल ही सकते, ठीक है। तो ये हमने रिलेटिव मास कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मान लो अपने पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, तब जो बी ऑब्जेक्ट है उसका मास हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे, सेम एज इट इज जो अपना बैलेंस मीटर है उसके एक आर्म पे उस ऑब्जेक्ट को रखोगे
और भाई दूसरे आर पे इस सिलेंडर को यहाँ पे रख दिया। मान लो जब हम बी ऑब्जेक्ट का मास निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे मान लो टेन सिलेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने बी ऑब्जेक्ट का मास निकाला तो टोटल टेन सिलेंडर यहाँ पे यूज किया, मीन्स मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट, मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या आ गया, मास ऑफ टेन सिलेंडर, या तो दिस इज इक्वल टू टेन सिलेंडर। बी ऑब्जेक्ट का मास 10 सिलेंडर के बराबर है और ए ऑब्जेक्ट का मास 3 सिलेंडर के बराबर है, ये हमने कर लिया। ओके चलो तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अपने पास एक हाथी है, ठीक है, अपने पास एक हाथी है, एलिफेंट है, उस एलिफेंट का मास निकालना है तो क्या करोगे, सेम मेथड अप्लाई करोगे, बैलेंस मीटर के एक आर्म में हाथी को रखोगे और दूसरे में उस पर्टिकुलर सिलेंडर को रखोगे, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो जब हमने एलिफेंट का मास निकाला तो यहाँ पे हमने टोटल 100 सिलेंडर यूज किया, ठीक है। क्या कहा, जब एलिफेंट का मास निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ पे टोटल 100 सिलेंडर यूज किया, ठीक है। तो क्या कह सकते हो, मास ऑफ एलिफेंट, मास ऑफ एलिफेंट इक्वल टू मास ऑफ 100 सिलेंडर कह सकते हो, समझ गए। तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे है उस सभी का मास हम सिलेंडर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो बार बार क्या करें, सिलेंडर यूज करें ना, कि ए ऑब्जेक्ट का मास 3 सिलेंडर, बी ऑब्जेक्ट का मास 10 सिलेंडर और एलिफेंट का मास 100 सिलेंडर, तो बार बार क्या करें, सिलेंडर का यूज कर रहे हैं। तो बार बार सिलेंडर लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गया टाइम ज़्यादा लगते हैं, और वैसे भी हम इंसान के आलसी हैं तो मतलब हार्ड वर्क तो करते नहीं है, तो सिंपल क्या करते हैं, छोटी सी टेक्निक अप्लाई करते हैं, मतलब एक ऐसा मेथड अप्लाई करेंगे जिससे कि हम इसको इजीली सोल्व कर सकें, कम टाइम में सोल्व कर सकें, ठीक है। तो क्या करें भाई, उन्होंने क्या करा, बार बार सिलेंडर यूज़ करने की वजह उन्होंने एक छोटा सा मेथड अप्लाई किया, एक छोटी सी टेक्निक अप्लाई करी। क्या टेक्निक उन्होंने अप्लाई करी, उन्होंने ये ऐड कर दिया कि जो ये सिलेंडर लेके चल रहे हो ना, इसको आप क्यों ना हम एक स्टैंडर्ड यूनिट दे दें। उन्होंने क्या करा, बार बार सिलेंडर यूज़ करने की वजह बार बार सिलेंडर यूज़ कर रहे हो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे अप्लाई करी है, एक टेक्निक अप्लाई करी। कैसे टेक्निक अप्लाई करी, उन्होंने ये मान लिया कि जो एक सिलेंडर है वो 1 kg के इक्वल है, मतलब मास ऑफ वन सिलेंडर का मास उन्होंने क्या ले लिया, 1 kg ले लिया, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट उन्होंने अज्यूम कर ली, ठीक है। तो मास ऑफ वन सिलेंडर इक्वल टू 1 kg वो ऐड करके चले हैं। अब जहाँ पे सिलेंडर आ जाए वहाँ पे क्या करोगे, केजी यूज करोगे, किलोग्राम यहाँ पे यूज करोगे, तो मास ऑफ वन सिलेंडर इक्वल टू 1 kg उन्होंने यहाँ पे ऐड करा। अब जहाँ पे सिलेंडर दिखे वहाँ पे क्या यूज कर दो, केजी, किलोग्राम, एक स्टैंडर्ड यूनिट उन्होंने मेजर कर दिया, फॉर्म कर दिया। क्या बताओ भाई, यहाँ पे बताओ, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास ऑफ 3 सिलेंडर, या नहीं तो 3 सिलेंडर। अब सिलेंडर जहाँ पे दिखे वहाँ पे क्या कर दो, केजी यूज, तो क्या हो गया, इट इज इक्वल टू 3 kg, ठीक है। अब जहाँ पे सिलेंडर है वहाँ पे केजी यूज करना है और कुछ नहीं करना, तो क्या आ गया, मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास ऑफ 10 सिलेंडर, या कहते हैं इक्वल टू 10 सिलेंडर, या 10 kg कह सकते हो, 10 kg। सिमिलरली मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ 100 सिलेंडर, या कहते हो दिस इज 100 सिलेंडर, या क्या कह सकते हो, दिस इज 100 kg। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने सिलेंडर यूज करके वहाँ पे हमने क्या ले लिया, केजी, किलोग्राम यूज कर लिया, एक पर्टिकुलर यूनिट यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है, समझ आ गया। तो ये फिजिक्स वालों ने यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करा था, एक छोटा सा जुगाड़ किया था जिसे कि गिवन ऑब्जेक्ट का मास उन्होंने इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, समझ आ गया होगा। तो जो भी मास दे रखे है, सॉरी जो भी ऑब्जेक्ट दे रखे है उसका मास हम केजी में, लास्ट में केजी में निकालते, पहले तो सिलेंडर के रेस्पेक्ट में, फिर हमने केजी में निकालना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो केमिस्ट्री में इसी मेथड का यूज करते हैं, समझ आ गया। तो ये तो था फिजिक्स का कंसेप्ट कि फिजिक्स वालों ने किस टाइप से पुराने टाइम में किसी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट किया, वो हमने यहाँ पर पढ़ा। चलो अब बात कर लेते हैं अपनी केमिस्ट्री के कंसेप्ट, चलो देखते हैं।
हाँ देखो भाई, अपना एटमिक मास का कंसेप्ट चल रहा था वो ले लेते हैं, केमिस्ट्री के कंसेप्ट का यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हमने फिजिक्स वाला कंसेप्ट अप्लाई करा था, तो आ जाओ एटमिक मास को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो एटमिक मास क्या होता है, मान लो अपने पास एक एलिमेंट है उसके एटम का मास निकालना है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहे हैं जैसे कि अभी हमने फिजिक्स का कंसेप्ट दिया था, इसी तरह हम यहाँ पे केमिस्ट्री का पॉइंट डिस्कस करेंगे। मान लो अपने पास कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है, तो एक एटम की मास को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक रेफरेंस एटम लेके चल रहे हैं, एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की एक एटम का अगर मास निकालना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम बात करें पुराने टाइम की। पुराने टाइम में अपने पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे कि आप एक एटम के मास को इजीली कैलकुलेट कर सको, अब तो फिलहाल है बट उस टाइम में नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम में उन्होंने क्या करा कि जो भी अपने पास एलिमेंट का जो एक एटम है उसका मास हमें निकाल लेंगे, तो उन्होंने क्या करा एक रिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स सॉरी रिफरेंस एलिमेंट वहाँ पे हम लेके चले हैं। तो रिफरेंस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में गिवन एलिमेंट के एक एटम का मास उन्होंने कैलकुलेट करा, ठीक है। क्या कहा, पुराने टाइम में हमें किसी भी एक एलिमेंट के एक एटम का मास निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट तो उसका मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम में अपने पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं जिससे कि आप इजीली उस एलिमेंट के एक एटम का मास इजीली कैलकुलेट कर सको। तो उसके लिए उन्होंने भी एक जुगाड़ किया, क्या उन्होंने एक दूसरा एलिमेंट प्रीफर करा जिसके रेस्पेक्ट में उस गिवन एटम के मास को उन्होंने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो भी अपने पास एलिमेंट का एक एटम दर्द है जिसका मास निकालना है हमको दूसरे एटम की रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। किस टाइप से निकालते हैं तो ध्यान रखना, तो हमें निकालना है क्या मास को वन कोई भी एलिमेंट ले लो, वन एटम को सोडियम क्या बताया कि जो भी एलिमेंट अपने पास है उस एलिमेंट के एक एटम का मास यहाँ पे हमने कैलकुलेट करने, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कोई एक दूसरा एलिमेंट यहाँ पे लेके चलते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम गिवन एलिमेंट के एक एटम का मास निकाल रहे हैं, ठीक है, आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो रेफरेंस एलिमेंट लेके चल रहे हैं वो है कार्बन, कार्बन का जो कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप है वो लेके चलेंगे। सर मान लें जो अपना रेफरेंस एलिमेंट होगा वो तो कार्बन होगा, हाँ देखो यहाँ पे हम जो रेफरेंस एलिमेंट लेके चल रहे हैं वो है कार्बन। एक्चुअली हम कार्बन एलिमेंट को यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे, कार्बन का जो कार्बन 12 आइसोटोप है वो यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस जो एलिमेंट है वो है कार्बन 12 एटम, उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करा मास ऑफ वन मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के एक एटम का मास कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे देखो। जब हमने सोडियम के एक एटम का मास कैलकुलेट किया तो वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आई क्या 23, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 23, अच्छा इनटू रिफरेंस एलिमेंट को यहाँ पे यूज करोगे तो अपना जो रिफरेंस एलिमेंट किस टाइप से लेके चल रहे हो वो देखो याद रखना 1/12 इनटू में मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ठीक है। मास ऑफ वन एटम सोडियम एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट के एक एटम का मास कैसे कैलकुलेट करोगे इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है बाय एक्सपेरिमेंट वो होगा इनटू में 1/12 मास ऑफ वन C12 एटम, जो कार्बन 12 का एक एटम है ना उसका मास यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है।
सन्मा गया तो डिफरेंस जो प्रोसेस होगा, डिफरेंस जो पार्ट होगा वो ये है। ठीक है, इसके कंपेरिजन में हम गिवन एलिमेंट के एक एटम का मास यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह चलो जाओ अपने पास मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की एक एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करोगे, देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इक्वल टू क्या होगा, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स जो एटम मास एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ गया 14 × 10 या अभी 1/12 मास ऑफ 1C12 कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 का जो एक एटम का मास होगा उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपना डिफरेंस पार्ट। सिमिलरली मान लो अपने पास एक तीसरा एलिमेंट है कार्बन वो कैल्शियम, तो क्या करो क्या करोगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम एलिमेंट, कैल्शियम एलिमेंट के एक एटम का मास कैसे निकालोगे, देखो इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू क्या भाई एटम मास कितना है भाई एक्सपेरिमेंट 14 × 10 क्या क्या वन बाई ट्वेल्व मास ऑफ वन एटम ऑफ सी ट्वेल्व का जो एक एटम का मास है ना वो यहाँ पे लेके चलते। ठीक है, इसी तरह और भी ले सकते हो जिसकी मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट क्या है भाई देखो ये आ गया कितना आ गया 16 × 10 1/12 × मास ऑफ वन एटम ऑफ सी12 ये सिंपल ही हो ना, मास ऑफ वन सी12 एटम बात हुई है तो सीधा कर लो मास ऑफ वन सी12 एटम, सी12 मीन्स कार्बन 12 एटम आइसोटोप है। संभाव के अंदर तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट डेप्थ है उनके एक एटम का मास निकालते हैं, तो हमें गिवन एलिमेंट के एक एटम का मास निकालो पर किसके रिस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे एक रिफरेंस एलिमेंट की जरूरत पड़ी और वो जो रिफरेंस एलिमेंट वो क्या है कार्बन, और कार्बन भी कैसा कार्बन के आइसोटोप, यहाँ पे कार्बन का सी12 आइसोटोप यूज कर रहे हैं। इस टाइप से मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट की एक एटम ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एलिमेंट के एक एटम का मास कैलकुलेट करना है तो ये मेथड अप्लाई करते हैं सर नारा है। अगर मान लो एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना हो तो हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे, तो देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट इक्वल टू क्या हो गया इसका न्यूमेरिकल पार्ट 1/12 मास ऑफ वन सी12 एटम कार्बन 12 एटम। सिमिलरली मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इक्वल टू क्या हो गया 14 × 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम कार्बन 12 एटम। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट का जो एक एटम है उसका मास हमने एक रिफरेंस पार्ट के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करा। ठीक है, तो बार बार क्या हो रहा है ये पार्ट हम बार बार लिख रहे ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम, 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम, ये भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो रहा है, इसको लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड वैसे फॉर्म हो रहे हैं, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं एक छोटी सी यूनिट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार क्या कर रहे हो 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम बार बार लिख रहे हो तो टाइम ज़्यादा लगते हैं, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं ये जो 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम है इसमें एक छोटी सी यूनिट दे देते हैं, एक यूनिट का नाम दे देते हैं, वो देखो क्या होगा, देखो ध्यान देना, देखो जहाँ पे आपको 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम अगर दिखाई दे वहाँ पे हमें क्या करना है एम यू लिखना है, जहाँ पे ये पार्ट दिखाई दे वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं AMU, AMU मीन्स एटमिक मास यूनिट। ठीक है, ये करेगी अगर जहाँ पे ये पार्ट दिखाई दे इसको हम एक यूनिट की फॉर्म में लिख लेते हैं, प्यार से हमने एक छोटी सी यूनिट दे दी इसको क्या AMU,
एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या होता है? चलो ऊपर लिख लो, यहाँ पर तो जगह नहीं है, ये पता लगे ना, इसको बाद में करेंगे। तो चलो आ जाओ, हाँ देखो भाई क्या काम, जहाँ पे हम 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम दिखाई दें उसको एक यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम, इसको हमने एक यूनिट की फॉर्म में लिख दिया। क्या? This is AMU, तो this is 1 AMU, this is 1 AMU, एक छोटी सी यूनिट दे दी AMU, AMU क्या कहलाते हैं, this is एटॉमिक मास यूनिट। समझ आ गया? जहाँ पे 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम मतलब कार्बन 12 एटम दिखाई दे, तो इसको हम AMU की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये किसके ऊपर आ गया, 1 AMU। AMU क्या होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का यूज कब करोगे, जब हम गिवन एलिमेंट के एक एटम का मास अगर कैलकुलेट करें तो हम पीछे क्या लगाते हैं, AMU। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या काम, AMU एटॉमिक मास यूनिट हम कब यूज करते हैं, जब गिवन एलिमेंट के एक एटम का मास अगर निकालना है तो हम AMU यूज करते हैं। समझ आ गया? तो देखो पता लगे होगा ना, 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। चलो अब यहाँ पर ट्राई करो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट के एक एटम का मास कितना दे रखे हैं, 1 3 इंटू में 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। तो ये जो पार्ट है डिफरेंस पार्ट है, इसको हमने क्या कर दिया, दिस इज 1 AMU, मतलब AMU कह सकते हो। तो क्या आ गया भाई, इट इज इक्वल टू 23 और ये आगे अपना AMU एटमिक मास यूनिट, इसको प्यार से कहते हैं एटमिक मास यूनिट। ओके चलो अब आ जाओ मास ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट या मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इक्वल टू क्या आ गया, 14 इंटू में 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो इसको क्या कहोगे, AMU को ऐड कर दोगे, इसका नाम AMU दोगे, तो क्या होगा, इसी से 14 AMU। सही, चलो इस तरह नेक्स्ट का जो कैल्शियम है तो क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम कैल्शियम एलिमेंट इक्वल टू 14 और दिस इज 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। तो क्या होगी, दिस इज 40 और ये किसके पर आ गया, AMU, क्या करना, AMU कर लोगे। चलो इसी तरह ऑक्सीजन का कंसेप्ट लेके चलना, तो लास्ट में लिख लोगे 14 AMU। ओके तो ध्यान देना, AMU कब यूज की जाती है, जब किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास अगर कैलकुलेट करना है, मान अपने पास कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एक एटम का मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे हम AMU यूनिट यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट वहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं आ गया, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके लास्ट में क्या लगा दोगे, AMU एटॉमिक मास यूनिट। फिलहाल तो ये रखना, ठीक है, आगे और भी एटम मोलर मास उसमें लगाते हैं, और भी एटम मास की यूनिट है वो आगे जैसे पढ़ते जाएंगे बताते जाएंगे। फिलहाल तो AMU यहाँ पे आ गया, तो बताओ 1 AMU किसके कौन होगा, 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। समझ आ गया, क्या कहते हो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ओके समझ आ गया होगा, फिर हमने यहाँ पर करी तो ये सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया AMU के केस में। चलो अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लें, अब देखो हम इन सभी को ग्राम में कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लो फिलहाल तो AMU में कैलकुलेट कराओ, अब मान लो ये सब कुछ हमें ग्राम में चाहिए तो क्या करोगे, हमें सबसे पहले मास ऑफ 1 C12 एटम की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
अगर आप इस सभी को ग्राम में कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही अगर हमें मास ऑफ वन सीट वाले एटम चाहिए तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। पिछले टाइम पुराने टाइम में तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, बट प्रजेंट टाइम की बात करें तो अपने पास इंस्ट्रूमेंट प्रजेंट है। एक है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा हम मास ऑफ वन सिंगल एटम की वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बताया, बाई मास स्पेक्ट्रोमीटर वी कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मास ऑफ वन सिंगल एटम। ठीक है, समझा दी। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हुए हम मास ऑफ वन सिंगल एटम की वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो देखो किस टाइप से निकालते हो, देख लेते हैं। अब देखो बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हुए हम कार्बन 12 के एक एटम का मास हम एग्जैक्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो भाई हमने स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा हम C12 मतलब कार्बन 12 के एक एटम का मास निकालते हैं। तो क्या वैल्यू आती है, देखो देखो मास ऑफ वन C12 एटम की जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हो कितनी आ रही है, 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम। समझ आ गया, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो मास ऑफ वन C12 एटम इक्वल टू क्या आ गया, 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम। ये कार्बन 12 के एक एटम का मास की वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1 AMU की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या होगी वो देखते हैं। तो 1 AMU इक्वल टू क्या था, 1/12, और दिस इज मास ऑफ 1 C12 एटम, ये था ना। तो 1/12 क्वांटिटी और वही मास ऑफ 1 C12 एटम की वैल्यू क्या है, 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम, इसमारे ग्राम में आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आती है 1.66 × 10⁻²⁴ और दिस इज ग्राम, इतना सर में आ गया। केवल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे रखी है, सॉल्व करें। अच्छा क्या आ गया यहाँ पर, देखिए सॉल्व में 1 AMU क्या आ गया, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, कितनी वैल्यू आती है। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, 1/L नंबर, ये किसके इक्वल है, 1/NA, वेयर NA इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। समझ आ गया, एवोगैड्रो नंबर कहलाते हैं। तो भाई 1 AMU इक्वल टू दिस वैल्यू इक्वल टू 1/NA, NA मीन्स 1/ एवोगैड्रोस नंबर, जो एवोगैड्रो नंबर होते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं। समझ आ गया, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आते हैं। 1 AMU इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम या इक्वल टू 1/ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, ध्यान देना, एवोगैड्रो की नंबर की वैल्यू होती है 6.022 भी यूज कर लेते हैं, 6.022 × 10⁻²³ मोल पर लीटर, कितना आता है। क्लास टाइम में नीचे चल रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चल रहे हैं, पहली वैल्यू क्या आ गई 6.022 × 10⁻²³। तो ये है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू। ओके, तो फिलहाल हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हुए हमें AMU की वैल्यू फाइंड आउट करी है। सबसे पहले तो मास ऑफ वन C12 एटम कैलकुलेट किया, फिर हमने 1 AMU को यहाँ पे सॉल्व किया। समझ आ रहे, ये रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो AMU है उसको हम ग्राम में यूज करेंगे। ओके, तो चलो देख लेते हैं, आ जाओ। तो देखो किस टाइप से सॉल्व करेंगे, मान लो हमें किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास एग्जैक्ट चाहिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे देखना।
सर मैं आगे होगा चलो देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ फ्यूजन एलिमेंट इक्वल टू क्या आ गया 23 इनटू में 1/12 4 फिर इसको हमने एएम में यहां पे लिखा एटॉमिक मास यूनिट। मान लो हमें अब ग्राम में वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, अभी हमने देखा था 1 amu इक्वल टू क्या हो गया 1.66 इनटू 10 इज 24 ग्राम, ये वाला कुछ कर सकते हो amu की जगह, या फिर 1/2 n इक्वल टू करना, या फिर ये वाला कुछ करो, या फिर ये वाला कुछ करो, तो आसान कौन सी है ये ना, तो ये कुछ करो, तो क्या आगे भाई मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट इक्वल टू क्या 23 इनटू में amu इक्वल टू क्या है भाई, ये वाला कुछ करना आसान है 1.66 इंटू 10 इज पावर माइनस 24 सॉल्व करना तो ये किस में जाएगा ग्राम के अंदर। इसी तरह मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इक्वल टू क्या आ गया 14 और दिस इज एम तो यहाँ पे क्या आएगा 14 एम इक्वल टू क्या थी 1.66 इंटू 10 इज पावर माइनस 24 और सॉल्व करना किस में जाएगा ग्राम में, एज इट इज कर सकते हो। तो हमने अब क्या किया कि जो एलिमेंट है उसके एक एटम का मास सबसे पहले तो एम में निकाला, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें ग्राम में, ओके समझ गए। तो ये हमने यहाँ पे कम्प्लीटली स्टडी करें, अब हम फिलहाल एटमिक मास की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो एटमिक मास की डेफिनेशन है वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।